हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम स्टडी नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं एक वायरल मॉडल पेपर। जो मॉडल पेपर आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है। इस पेपर का मैं आज सॉल्यूशन भी आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, क्लास 12 सोशियोलॉजी 2025 का ये वायरल पेपर है। ऐसे आएगा 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर। यदि आप भी 100 में से 95 प्लस समाज शास्त्र सोशियोलॉजी में लाना चाहते हैं, आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ, यानी सॉल्यूशन के साथ में आपको बताऊँगा, ये भी बताऊँगा कि आपको ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है और हल करना है पेपर को, जिससे आपका 100 में से 95 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस बार का जो हमारा स्टूडेंट टारगेट है समाज शास्त्र में, 100 में से 95 प्लस लाना। तो जितने भी स्टूडेंट इतना परसेंट नंबर लाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अनुक्रमांक रहेगा, फिर नाम रहेगा और उसके बाद में पेपर कोड भी देख सकते हैं, 541 FM ये पेपर कोड है। समय आपका दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट जो दिए जाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। नोट दिया हुआ है, जानकारी निर्देश दिया हुआ है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सारी जानकारियाँ पढ़ लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होता है, कितने शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर समाज शास्त्र में। एक एक नंबर का होता है, ये देखिए आपके पूरे बुक के हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब कौन से चैप्टर से पूछ लिया जाए क्वेश्चन, किसी को पता नहीं होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट, और इसमें मैं बताए गए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला बहुविकल्पीय का प्रश्न देखिए, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा। जनजातियों को जो पिछड़े हिंदू है ये किसने कहा है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू एक सही विकल्प है जो कि आपको कॉपी में लिखना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे, ए हो जाएगा, GS घुरिए ने पिछड़े हिंदू कहा है। जनजातियों को क्या कहा है प्यारे विद्यार्थी, पिछड़े हिंदू कहा है, ठीक है। इस बार हमारा जो टारगेट है समाज शास्त्र में, टारगेट है 100 में से 95 प्लस समाज शास्त्र में लाना, और आप लोग भी मेहनत कीजिए, इतना नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत कीजिए, सफलता आपका कदम चूमेगी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू की गई। भारत में हरित क्रांति की बात हो रही है, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर रहा, ये भी आप लोगों को बताना है। यदि आपको पता है तो हरित क्रांति का जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा वो कहाँ पर रहा, या पंजाब में रहा सबसे ज़्यादा प्रभाव, याद रखिएगा। किस दशक में लागू हुआ, तो 1960 से 1970, यानी दूसरे का भी ए राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन था, ठीक है, बोलबाला जिसको कहते हैं। तो दूसरे नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, और आप लोगों को पता चल जाएगा इसी मॉडल पेपर के थ्रू कि क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, नॉर्मल होते हैं, हार्ड होते हैं, सिंपल होते हैं, यानी नॉर्मल, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा नॉर्मल, यानी ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा नॉर्मल, एक प्रकार से सिंपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है वो भैया किसने दिया है, थॉमस माल्थस जी हो जाएंगे, जो कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन था, इसको भी हमने बता दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। इसको मैंने भी काफ़ी बार अपने जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, आपको पता है तो बताइएगा। फिलहाल इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मजूमदार एवं मदान हो जाएंगे, जो कि इन्होंने ही भैया कहा है कि जाति एक क्या है प्यारे विद्यार्थी,
बंद वर्ग है। तो चार का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है। इंडियन जो सोसाइटी नामक पुस्तक है इसकी जो रचना है ये किसने की है, ये आप लोगों को बताना है स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए, इसमें से आपका एस सी दुबे हो जाएंगे या डी एन मजूमदार, एम एन श्रीनिवास या आंद्रे बेताई। तो पांच का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए हो जाएगा, एस सी दुबे हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट आपके बुक से रिलेटेड खासकर समाजशास्त्र में दो क्वेश्चन तो कंफर्म होते हैं, यानी दो क्वेश्चन आपके बुक से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि कौन से समाजशास्त्री ने इस बुक को लिखा है, ठीक है। तो ये बताना रहेगा, यदि आपको बुक से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए समाजशास्त्र महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक का नाम, बाई शिवम स्टडी नॉलेज आप लिख देंगे, वो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने उस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। समझ में आ गया, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। छः नंबर क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो उत्तराखंड यानी बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएगा, छः का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सात नंबर, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये देखिए सात नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, राजा राम मोहन के राय के द्वारा या पंडिता रमाबाई। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इनमें से आपका बिल्कुल सही आंसर राजा राम मोहन राय जो हो जाएंगे, उन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 20 अगस्त, यहाँ पर देखिए 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इन्होंने ही क्या है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। समझ में आ गया स्टूडेंट, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आठ नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्या पूछा गया है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है। पंचायत राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है ये बताना है आपको, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुस्तरीय। तो इनमें से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि त्रिस्तरीय ये जो है पंचायत राज व्यवस्था लागू है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप लोगों ने प्यारी विद्यार्थी, मैं हर एक वीडियो में चर्चा करता हूं, आप लोगों ने टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस आपका मिल जाएगा, एक आपका बहुविकल्पीय, दूसरा अति लघु उत्तरीय और तीसरा दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय। ये तीन टाइप के क्वेश्चन हमने टॉपिक के वीडियो में बताया है, तो जाकर आप लोग देख लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नौ नंबर, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की है। तो एम एन श्रीनिवास हो जाएंगे इसके सही विकल्प, ये भी कन्फर्म हो गया। दस नंबर और आखिरी क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, कि निम्न में से कौन सा जाति का आधार है, यानी जात का आधार कौन सा है, जन्म है, कर्म है, भाग्य है या धर्म है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर हर कोई दे देगा। यदि पता नहीं है आंसर फिर भी थोड़ा माइंड लगाइए, देखिए कैसे, देखिए जाति का भैया, जैसे जिस जात में आप पैदा होते हैं, मान लीजिए ब्राह्मण में आप पैदा हुए, क्षत्रिय में पैदा हुए, शूद्र या किसी भी में जाति में पैदा हुए, तो वो जन्म से निर्धारण होता है, क्योंकि भैया ये जन्म वाला प्रक्रिया है। तो 10 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि ये भी आपका शायद 10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है प्यारे विद्यार्थी, आप लोग बताइएगा, तीन नंबर का होता है। यहाँ पर देखिए कितने नंबर का, तीन नंबर का एक क्वेश्चन होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, मैं क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, तो क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, बहुत ही मेहनत लगा है। आप लोग एक काम कीजिए, कॉपी पेन लेकर प्लीज़ बैठ जाइए, उस सारे क्वेश्चंस को, मैं जितने भी क्वेश्चंस को बता रहा हूँ टिक लगा लीजिए बुक में, नहीं तो लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगरीय समाज की तीन विशेषताएं लिखिए। हमें क्या करना है, जो नगरीय समाज है इनकी किन्हीं तीन विशेषताओं के बारे में बताना है, ठीक है। तो तीन विशेषताएं बता देंगे, तीन नंबर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए उत्तर देखिए, नगरीय समाज की तीन विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहले विशेषताएं देखिए,
नगरीय समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं। जो नगरीय समाज है यानी शहर वाला समाज, उसमें व्यक्तियों का सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, नगरीय समाज में विमलता देखने को मिलती है। ये विभिन्न प्रजातियाँ इसमें देखिए, और है थोड़ा मैं दिखा दूँ, हाँ ये देखिए, इसमें विभिन्न प्रजातियाँ, क्षेत्रों, धर्मों एवं व्यवसाय को लोग रहते हैं। इसमें क्या होते हैं भैया, कई सारे अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और उनका अलग अलग कार्य होता है। कोई ऑफिस जाता है, कोई अपना सब्जी बेच रहा है, ठीक है, कोई क्या है अपना एक कंपनी चला रहा है। तो कई सारे लोग होते हैं अपने अपने धर्म के, कई सारे व्यवसाय करते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये शहर से आ गया है, नगरीय समाज की 3 विशेषताएँ मैं बता रहा हूँ। इसको आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो अपनी भाषा में भी इसका आंसर बड़े ही प्यार से दे सकते हैं बिना कोई हिचकिचाहट के। 3 नंबर क्वेश्चन है, नगरीय समाज में श्रम विभाजन बहुतायात में पाया जाता है। जो श्रम विभाजन है बेसिकली क्या पाया जाता है, बहुतायात में पाया जाता है। समझ में आ गया, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है बेसिकली क्या है आपका, 10 क्वेश्चन ये अति लघु उत्तरीय का आएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, और ठीक है 3 नंबर का होगा खासकर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है, यानी बेसिकली हमें परिभाषा बताना है सामाजिक संरचना का। तो आंसर देखिए, उत्तर है, समाजशास्त्री के अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वो सतत व्यवस्था है जिसे सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है प्यारे विद्यार्थी, परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। सामाजिक संरचना का अर्थ आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बताया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर। देखिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए 3 प्रमुख बदलाव बताइए। देखिए मैं क्वेश्चंस को स्टूडेंट बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हैं तो वीडियो को क्या कीजिए, स्टॉप यानी बीच वाले से क्लिक करके रोक कर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा, नहीं तो टिक लगा लीजिए। जो क्वेश्चन बैंक होते हैं आपके या बुक होते हैं सोशियोलॉजी के, उसमें टिक जरूर लगा लीजिएगा। और ये जो मॉडल पेपर है प्लीज़ आप लोग हल्के में मत लीजिए, इसके बताए गए एक एक क्वेश्चन आपके 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं पेपर लेकर आया हूँ, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है, और इसको लिख लीजिए एक बार। 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए 3 प्रमुख बदलाव बताइए। भारत को स्वतंत्रता कब मिली भैया, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 1947 को हमें आज़ादी मिली। हमारा संविधान कब लागू हुआ, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। और इसको किसके नाम से मनाते हैं, इसको मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। इसको क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाते हैं, जो कि 15 अगस्त होता है, क्योंकि भैया हमारा भारत देश इसी तारीख को आज़ाद हुआ था। तो यही बताया जा रहा है कि भारतीय समाज में आए 3 प्रमुख बदलाव हमें बताना है, 3 नंबर देकर जाएगा। देखिए उत्तर है, स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता से रिलेटेड है कि काल में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में प्रभावशाली रूपांतरण हुए, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति लागू हुआ। हरित क्रांति भैया कब लागू हुआ, 1960 और 1970 के दशक में ये लागू हुआ था। हरित क्रांति का सबसे बड़ा बोलबाला पंजाब राज्य में था, ठीक है, हमारा पंजाब जानते ही हैं, जहाँ पर पंजाबी लोग रहते हैं, तो वहीं पर है हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रचलन। और इसी के बारे में बताया गया है कि हरित क्रांति लागू हुआ, ये बदलाव निम्नवत थे। सबसे पहला है इसमें, गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी, जो गहन कृषि के कारण जो कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी। दूसरा है, भुगतान में समान यानी अनाज के स्थान पर नगद भुगतान, यानी अनाज देते थे उनको पैसे नगद मिल जाते थे। तीसरा है, पारंपरिक बंधनों से इस यहाँ पर देखिए शिथिलता अथवा भूस्वामी एवं किसान या
कृषि मजदूर है जिन्हें बंधुआ मजदूर भी कहते हैं। ये क्या बंधुआ मजदूर के मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी होना। पुश्तैनी संबंधों में क्या होते थे, पहले के जो लोग होते थे वो बंधुआ होते थे, यानी किसी और का एक प्रकार से गुलाम जिसको कह सकते थे, यानी जो लोग होते थे वो किसी और के गुलाम होते थे और उन पर एक मोहर लगा दिया जाता था कि तुम बंधुआ हो। ठीक है, जो सीरियल वगैरह देखते होंगे उनको पता होगा, लड़कियाँ ज़्यादातर देखती हैं तो उनको पता होगा ये सारी चीज़ों के बारे में। फिलहाल आप देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही आसानी भाषा से मैंने समझा दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। इसमें भी भैया हमें औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं बतानी है। उत्तर है औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। किस प्रकार से हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, ये नहीं कि डायरेक्टली आप लिखते चले जाइएगा 1, 2, 3 नंबर डालकर। सबसे पहले ये वाला जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए सबसे पहला है, ये मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है, यानी मानव के द्वारा ना निर्मित होकर मशीन की शक्तियों पर ज़्यादा बल देता है। दूसरा है, इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय यानी राज्य के आय में वृद्धि होती है। तीसरा है, ये प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है। तो ये औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं हैं जो कि बताई गई हैं, आप देख सकते हैं इन 3 विशेषताओं के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। जो सामाजिक आंदोलन है इसको हमें परिभाषित कर देना है। देखिए उत्तर है ब्लूमर के अनुसार, सबसे पहले हम ब्लूमर के अनुसार देखेंगे, सामाजिक आंदोलनों का जीवन सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नई प्रणाली स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी, सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है, जो कि ब्लूमर के अनुसार सामाजिक आंदोलन का परिभाषा है। अब देख लेते हैं हॉन्टन एवं, यहाँ पर देखिए हॉन्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक जो है आंदोलन का परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एक बार, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, जो आपके साथ में पढ़ते हों, आपके दोस्त हों, फ्रेंड हों, उनको शेयर कर दीजिए, उनको भी ये वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, हंटन के अनुसार देखिए कि सामाजिक आंदोलन समाज या उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने या विरोध करने का एक सामूहिक प्रयास है। विरोध करने का क्या है, एक सामूहिक प्रयास है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 16 नंबर, वंध्यकरण का क्या अर्थ है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। सारे क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पर आधारित हैं। 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 30 नंबर तो आपका इसी में पक्का हो जाएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं जो वंध्यकरण है इसका अर्थ देख लेते हैं, इसका परिभाषा देख लेते हैं कि क्या है। उत्तर देखिए, वंध्यकरण का अर्थ ऐसी चिकित्सा पद्धतियों से है जिनके द्वारा गर्भाधान और शिशु जन्म को रोका जा सकता है। गर्भाधान और शिशु जन्म को रोका जा सकता है। पुरुषों के मामले में उपयोग में लाई जाने वाली शल्य पदार्थी को नसबंदी और स्त्रियों के लिए काम में लाई जाने वाली शल्य पदार्थी को नलिकाबंदी कहा जाता है। तो वंध्यकरण का अर्थ आप देख सकते हैं किस तरह से दिया हुआ, इसका परिभाषा आप लोग समझ कर आराम से कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, पेपर में आएगा तो इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कहना गलत नहीं है। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। आंसर देखिए, उत्तर है ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये संगठन निम्न जात के लोगों के मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की, यहाँ पर देखिए भर्तृसंहिता की ओर छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। किसके नियमों की, जो छुआछूत के नियम हैं इसको घोर निंदा की। कौन की, ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में
की गई थी। ये संगठन निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय प्राप्ति के लिए समर्पित था। ठीक है, कौन सा समाज? सत्यशोधक समाज, जो कि स्थापना देख सकते हैं बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये बता दीजिएगा। इतना नाम बता दीजिए, एक नंबर आपका कन्फर्म है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जातिवाद में होने वाली तीन हानियों के बारे में लिखिए। उत्तर है, जातिवाद में होने वाली तीन हानियां इस प्रकार से हैं। सबसे पहला हानि है, इससे सामाजिक एकता कमजोर होती है। इस दूसरा है, इससे सामाजिक संगठन को क्षति पहुँचती है। तीसरा है, इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जातिवाद से संबंध विशिष्ट किससे है, यानी जो जन्म से निर्धारण होता है जाति, इसी से होने वाली तीन हानियाँ हैं। कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं किस तरह से दिया हुआ है, बहुत ही इजी तरीका है, इसको समझ लीजिए। आप लोग क्वेश्चन का आंसर को लिख सकते हैं अपने शब्दों में भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 18 नंबर भी क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर का था। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्तरीकरण की तीन विशेषताएं बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए, हमें स्तरीकरण की क्या है, तीन विशेषताएं। देखिए, तीन तीन विशेषताएं पूछी जा रही हैं, तभी 3 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर देखिए, सबसे पहला है सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकाय ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है, बल्कि क्या है, समाज की एक विशिष्टता है। दूसरा है, सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। तीसरा है, सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। तो यही है सामाजिक स्तरीकरण की तीन विशेषताएं, जो कि मैंने बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर में। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन है। इसका भी मैं आंसर एक प्रकार से पहले निकाल लेता हूँ नीचे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय का, कि छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाजशास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर देखिए, उत्तर है, छोटी शोध परियोजनाएं हेतु कुछ समाजशास्त्रीय मुद्दे निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार से यानी कुछ ये पॉइंट के थ्रू जो कि ये दिया हुआ है ना, देखिए, सबसे पहला है पॉइंट सार्वजनिक परिवहन, दूसरा है सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका, तीसरा है घर परिवार में काम आने वाले उपकरण एवं घरेलू कार्य, चौथा है सार्वजनिक स्थान का उपयोग, पांचवा है विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाएं, तथा छः है एक वस्तु की जीवनी। तो ये जो हमारा शोध परियोजनाएं थी, इनके मुद्दे निम्न प्रकार से जो बताए हैं, ये 6 प्रकार के हैं, लिख देंगे 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 30 नंबर आपका इसमें मिल जाएगा, 10 आपका बहुविकल्पी में, तो 40 नंबर अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न हमारा आ जाता है। ये देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न आ गया है, 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 ही नंबर का। तो देखिए, 6 नंबर का पूछा जाएगा और 36 नंबर, तो 36 नंबर तो आपका इसी में मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 40 और 36 कितना हो जाता है, देखिए 40 30 70 और 6 76 नंबर तो आपका इसमें हो गया, ये देखिए। ठीक है, 30 नंबर आपका अति लघुत्तरीय में, 10 नंबर बहुविकल्पीय में, 40 यहाँ पर हो गया, 36 जोड़ दिया, 76 हो गए। ठीक है, तो 36 कहाँ पर मिलेगा, लघुत्तरीय प्रश्न में मिलेगा। इसका आंसर देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर के साथ में हम बात करेंगे। उत्तर दिया हुआ है, भारतीय समाज में धर्म का महत्व है, धर्म के मामलों में मुस्लिम अन्य धर्मों के मुकाबले अधिक पाबंद हैं, वे नियमित 5 बार नमाज पढ़ने पर जोर देते हैं, उनके 30 दिन के रोजे बिना खाए पिए एक लंबे समय तक रहना काफ़ी कठिन है, हिंदू धर्म भारत में सबसे ज़्यादा माना जाता है, इसमें क्या है, अनेक देवता और देवियों की पूजा प्रचलित है, हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, हिंदू धर्म का विश्व का सर्वाधिक उदार धर्म माना जाता है,
दया, त्याग, ममता, सौहार्द और वसुदेव कुटुंबकम की भावना इसमें पाई जाती है। हिंदू विश्वास करते हैं कि प्रत्येक कर्म के आध्यात्मिक परिणाम होते हैं। तो ये भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना की गई है, यानी दोनों जाति के बारे में बताया गया है, मुस्लिम और हिंदू जाति के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को रोक कर इसका आंसर लिख लीजिए, आप लोग लिख रहे हैं। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन था हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में कितने शब्दों में लिखा है, ये तो मैंने पेपर की शुरुआत में ही आपको बता दिया था, जो निर्देश का पॉइंट था ना उसी में आपको पता चल गया था कि लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों से लेकर कितने शब्दों तक आपको देना था, तो वो वीडियो देख लीजिए। सॉरी, वो आप क्या है एक प्रकार से शुरुआत का वो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, उसी के हिसाब से लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। उत्तर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अखिल भारतीय एवं स्थानीय स्तरों पर नारीवादी आंदोलनों का विस्तार प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे महिलाओं ने भी राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लेना आरंभ कर दिया था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारत के नागरिकों के संबंध में मूल अधिकारों की घोषणा की गई, जिसके साथ ही कांग्रेस ने स्त्रियों को समानता का अधिकार देने हेतु प्रतिबद्धता प्रकट की। इस घोषणा में निम्न बिंदुओं का स्थान दिया गया था। ठीक है, इस घोषणा में जो निम्न बिंदुओं का स्थान था विश्व के लिए क्या है वो दिया गया था, जो कि ये इस तरह से है, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए। सबसे पहला है, सभी नागरिक विधि कानून के समक्ष समान है, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो, यानी कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, उनका जो कानून के प्रति है सम्मान या समक्ष सम्मान वो एक ही है। दूसरा है, किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा किसी व्यापार या कारोबार किए जाने के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, ये भी बताया गया था। चौथा पॉइंट था, मताधिकार का प्रयोग सार्वजनीय वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये भी बताया गया था। वयस्क मताधिकार यानी ऊँट वाला, जो कि 18 और 21 वर्ष के ऊँट के हिसाब से होता था ना, अब 18 वर्ष कर दिया गया है। स्त्रियों को मत डालने, यहाँ पर देखिए डालने, या यहाँ पर देखिए स्त्रियों को मत डालने प्रतिनिधित्व ऊँट डालने, यहाँ पर मत एक प्रकार से जो होता है ऊँट डालने प्रतिनिधित्व करने तथा सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये भी बताया गया जो कि नारी आंदोलन पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन में हमने बता दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 23 नंबर है, यहाँ पर देखिए, भारत में आधुनिकीकरण की किन्हीं तीन दुष्परिणामों की विवेचना करना है, हमें तीन दुष्परिणाम बता देना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, भारत में आधुनिकीकरण की तीन दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला देखिए, बेरोजगारी में वृद्धि। अब बेरोजगारी की वृद्धि में देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। मशीनीकरण के कारण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलने में कठिनाई हो रही है। जो रोजगार मिलने में है क्या है वो कठिनाई हो रही है, नहीं मिल रही है रोजगार, क्योंकि मशीनों के कारण श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। दूसरा इसमें है, औपचारिक संबंधों में वृद्धि। आधुनिकीकरण से फलस्वरूप औपचारिक संबंधों में वृद्धि हो रही है। औपचारिक संबंधों के कारण घनिष्ठ संबंध का अभाव बढ़ता जा रहा है। अब सामाजिक संबंधों में कृत्रिमता अधिक पाई जाती है, ये भी हमारा हो गया। तीसरा देखिए, लास्ट दुष्परिणाम है, पश्चिमीकरण। आधुनिकीकरण के कारण भारत में पश्चिमीकरण तीव्र गति से हो रहा है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में पश्चिमीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। आदि सब क्षेत्रों में क्या है, पश्चिमीकरण का जो प्रभाव है ये देखा जा सकता है। तो जो बताया गया है 23 नंबर क्वेश्चन में, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं आराम से, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला 24 नंबर क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। किस पर लिखना है, पंचायत राज व्यवस्था पर हमें लिखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए।
उत्तर है पहली बार 1992 में, यहाँ पर देखिए पहली बार 1992 में 73वां संविधान संशोधन के रूप में मौलिक व प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिलता है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक, यहाँ पर देखिए, परिस्थिति प्रदान की। अब ये अनिवार्य हो गया कि स्थानीय शासन के सदृश गांवों तथा नगरों में हर 5 सालों में, गांव तथा नगरों में हर 5 सालों में, इसमें और है, पाँच सालों में चुने जाएं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय संसाधनों पर अब चुने हुए, यहाँ पर देखिए, चुने हुए निकायों का नियंत्रण होता है। 73वां व 74वां संविधान संशोधन ने ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं का 1/3 आरक्षण दिया है। इनमें से 17% सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। 73वें संशोधन के तुरंत बाद 1993-94 के चुनाव में 8,00,000 महिलाओं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाएं में जुड़ी। वास्तव में महिलाओं का मताधिकार देने वाला एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन, यहाँ पर देखिए, स्वशासन में महिलाओं को मताधिकार देने वाला एक बड़ा कदम था। स्थानीय शासन के स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करने वाला संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992-93 में लागू हुआ। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था पंचायती राज व्यवस्था पर एक निबंध, इतना निबंध भैया आप लोग लिख दीजिएगा तो आपका 6 नंबर कोई नहीं काट सकता, ये गारंटी दी है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएँ लिखिए। हमें क्या करना है, 4 इसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर देखिए। उत्तर, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है, ग्रामीण लोग जीवन यापन के लिए प्रकृति पर निर्भर होते हैं। इनके प्रमुख कार्य कृषि आधारित व्यवसाय, पशुपालन, शिकार, मत्स्य पालन यानी मछली और भोजन की व्यवस्था करना आदि होते हैं। भूमि, जंगल, मौसम आदि प्रकृति के अंग होते हैं, ये पहला विशेषता है। दूसरा है, प्रकृति पर निर्भरता के साथ साथ इनका प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध भी रहता है, ये प्रकृति के निकट रहते हैं, ये भी हो गया। तीसरा देखिए, ग्रामीण समाज आकार में छोटा होता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि कृषि और पशुपालन आधारित जीवन यापन के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि सभी का निर्वाह आसानी से हो सके, ये भी हो गया हमारा। लास्ट जो हमारा विशेषताएं बचती हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं, आकार छोटा होने के कारण सभी लोग एक दूसरे को निजी तौर पर जानते हैं। ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है और उसमें क्या है, घनिष्ठ निकट और प्रत्यक्ष संघ जो है संबंध पाए जाते हैं। तो ये ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं थी जो कि मैंने बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरीय का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, 26 नंबर, 1960 तथा 1970 के दशक के प्रारंभ में हुए सामाजिक आंदोलन के बारे में बताइए। 1960 तथा 1970 के दशक में जो कि भैया हुआ था कौन सा सामाजिक आंदोलन, एक प्रकार से हरित क्रांति भी इस समय में लागू था। हरित क्रांति कौन कौन जानता है, जो कि हमने शुरुआत में बताया था, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा और बता देता हूँ। हाँ ये देखिए उत्तर है, 1960 तथा 1970 के दशक के प्रारंभ में बहुत से नए सामाजिक आंदोलन हुए, यहाँ पर देखिए सामाजिक आंदोलन हुए। इस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में सेनाएं वियतनाम में भूतपूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश में साम्यवादी गुरिल्लाओं के विरुद्ध एक खूनी संघर्ष में क्या है संलिप्त थी। यूरोप में पेरिस विद्यार्थियों के जीवन आंदोलन का केंद्र था जो युद्ध के विरुद्ध हड़तालों की एक श्रृंखला में कामगारों के दलों में सम्मानित हो गए। अटलांटिक, यहाँ पर देखिए अटलांटिक के दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सामाजिक विरोध के उदय का अनुभव कर रहा था। मार्टिन लूथर
किंग द्वारा चलाए गए आंदोलन के बाद मैल्कम द्वारा अश्वेत शक्ति आंदोलन चलाया गया। युद्ध विरोधी आंदोलन में लाखों विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिन्हें सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से भर्ती कर वियतनाम में लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। सामाजिक उथल पुथल के इस काल में महिलाओं का आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन का भी बल मिला। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था बेसिकली, ये देखिए क्वेश्चन था कि 1960 तथा 1970 के दशक के प्रारंभ में सामाजिक आंदोलन के बारे में बताना था, ये हमने बता दिया है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 3 क्वेश्चन होता है, तो 8 + 3 = 24। देखिए 24 और 36 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 60 हो गया, 60 और 40 को जोड़ेंगे 100 हो गया, 100 का हमारा जो पूर्णांक था वो कंप्लीट कर दिया है मैंने। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों का क्या है वर्णन, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी आप कर सकते हैं, अथवा दिया है मान लीजिए वो नहीं आ रहा था तो आप ये वाला कर लीजिए कि नगरीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या करना है। ठीक है, ये भी कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा, नहीं तो आप YouTube पर क्वेश्चन को सर्च कर लीजिए, बाईसियम स्टडी नॉलेज लगा दीजिए, वीडियो मिल जाएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन विथ आंसर का। 28 नंबर क्वेश्चन है, जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन कीजिए। 8 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, अथवा लगा है प्यारे विद्यार्थी, वो नहीं आपको समझ में आ रहा तो भारत में दहेज व्यवस्था की विकृत परिणामों की वर्णन कीजिए, दोनों में से किसी एक को भी ये भी कर सकते हैं आप। 29 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, भारतीय समाज में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए, अथवा लगा है पर्यावरण आंदोलन का क्या कारण है विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आपका 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 में से करना 3 ही है जिसके लिए 8 नंबर एक प्रश्न पर दिया जाएगा जब आप उसका उत्तर लिखेंगे, लगभग 250 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है। ठीक है, तो 8 नंबर आपको दे दिया जाएगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, इसका आंसर बुक में मिल जाएगा। फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था, जो कि मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया, यानी पूरा क्वेश्चन विथ आंसर ये वीडियो था आप सभी के लिए।